ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। देश के 8 करोड़ से अधिक के किसानन खातिर बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बता दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानन के 13वीं किस्त जारी की गई है। करीब 16,000 करोड़ रुपया के राशि के हस्तांतरण किसानन के खाता में की गया है। बता दें कि PM किसान योजना के तहत साल भरे में 3 किस्त के जरिए बता दें कि सरकार के द्वारा 6,000 रुपये के राशि उन्हें सालाना किसानन का दीन जाती और ये बता दें कि 13वीं किस्त बता दें कि जारी की गई है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वाम पूजा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। 27 फरवरी का बता दें कि किसान सम्मान निधि की यह 13वीं किस्त जारी हो चुकी है। कर्नाटक के बेलगावी से 8 करोड़ से अधिक किसानन के खाता में यह किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है। 13वीं किस्त के तौर में 16,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानन का दीन गई हम। योजना के तहत सरकार हर साल किसानन के खाता में 2,000 रुपया के राशि जो है 3 बार में ट्रांसफर कर रही है। और अगर अपना का योजना से जुड़ा लाभ नहीं मिल सका है या फिर आप बता कि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या फिर दूसर कोनो सवाल अपना के मन में है तो अपना को बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट में फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क में जाके अपना जरूरी जानकारी ले सकी थे शिकायत दर्ज करवा सकी थे। योजना के तहत छोट और सीमांत किसानन का 2,000 रुपया के 3 किस्त साल में कुल 6,000 रुपया जारी की जाते। स्कीम के तहत पहली किस्त जहाँ अप्रैल और जुलाई के बीच दी जाती तो दूसर किस्त अगस्त और नवम्बर के बीच दी जाती। तीसर किस्त बता दें कि दिसंबर और मार्च के बीच जारी की जाती। योजना के शुरुआत बता दी कि 2019 में किसानन के आर्थिक मदद करे खातिर प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से शुरू की गई रही है जहां अब बता दी कि 13वीं किस्त जो है खाता में किसानन के जारी के दिन गई है। शुरुआत में बता दी कि जब प्रधानमंत्री किसान योजना लागू की गई रही तब एक लाभ केवल छोट और सीमांत किसानन के परिवारन खातिर रहा। इमऊ किसान शामिल रहे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक के कम्बाइंड लैंड होल्डिंग के जमीन रही। वह 2019 में अगर बात की जाए तो स्कीम का रिवाइज की गया और अब सब किसान परिवारन का एक एक खातिर एक्सटेंड कर दिन गया है। अब बहनों बता रहा कि कुछ किसानन का योजना के तहत जो है बाहर रखा गया है जौने में से खासतौर में ऐसा लोग शामिल हैं जो किसान बता दी कि संस्थागत भूमि धारक है या फिर संवैधानिक पदन में किसान के परिवार से कोनो सदस्य बैठे हैं या फिर राज्य और केंद्र सरकार के सेवारत रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी के तौर में शामिल हैं। एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी कर्मचारी यानी पेंशनर कुल मिलाए कि उनका लाभ से बाहर रखा गया है। और अगर अपना लाभ से वंचित हैं या फिर अपना योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है हितग्राही के निर्धारित सीमा के भीतर अपना आई थी तो अपना बता दें कि योजना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन आधार नंबर अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करके क्वेरी फॉर्म में बता दें कि अलग अलग समस्याओं से जुड़े समाधान के ऑप्शन जो है अपना को मिल जाए और अपने समस्या के हिसाब से अपना चयन करके अपन जरूरी जानकारी ले सकी थे या फिर शिकायत दर्ज करवा सकी थे। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए कि अपन और अपने परिवार की बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से PM किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के
छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।